आज ना गाइस बहुत बड़ा काल था और पता नहीं हर जगह से था, मतलब क्या ही बोलूं मैं। आप लोग बहुत सारे लोग ना मुझ मतलब लास्ट ब्लॉग में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा प्यार दिए, लेकिन बहुत सारे लोग ना घूम फिर के जीने कोई काम नहीं है, दुनिया का सब काम छोड़ के वो सिर्फ ननद भाभी बहु बेटी करने में लगे हैं। तो आप लोग खैर करिए, आप लोगों के लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, क्योंकि मेरा मूड इतना सही नहीं है कि मैं फालतू की मतलब मैं कितना समझाऊंगी यार, नहीं समझाऊंगी। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का ये था कि आप हस्बैंड के बगैर कैसे हो। तो गाइस जब आप 27-28 साल के हो जाते हो, आप अपने माँ बाप के बगैर रह सकते हो किसी मजबूरी की वजह से ही ना, तो हस्बैंड के बगैर भी आप किसी मजबूरी के बगैर रह सकते हो। और इस टाइम मेरी डिलीवरी मेरे अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं कि मैं किसके पास हूँ। हाँ, अगर मेरा आने का भी कोई प्लान नहीं था, मेरा ये था कि इस बार हम लोग जो डिलीवरी है वो बैंगलोर कराएंगे, लेकिन मेरे घर से कोई जाने वाला नहीं था, ना मेरी मम्मी और मेरी कोई बहन है नहीं, तो वो ऑप्शन ही ख़त्म। और मेरी जेठानी नहीं जा सकती थी उतने दूर, क्योंकि जैसा कि आजकल हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा स्किन में प्रॉब्लम आता है, खास करके मेरे साथ तो बहुत ज्यादा आता है, अभी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे एक्ने का हो गया है एंड पिगमेंटेशन मेरा हमेशा रहता है यहाँ पे भी। तो मैंने इसके लिए भी पूछा था, तो ट्रीटमेंट के लिए मैंने बात किया था, लेकिन फिर उतना टाइम चाहिए, बार बार कंसल्ट करने के लिए जाना पड़ेगा एंड पता नहीं प्रोडक्ट सूट करेगा कि नहीं। तो ऐसे जगह से मैंने सोचा कि ट्राई करो जहाँ पे थोड़ा ट्रस्ट बना हुआ है ऑलरेडी, एंड इतना ट्रैवलिंग कॉस्ट और बार बार अपॉइंटमेंट का कॉस्ट, मतलब ये सब कट जाए। तो इसीलिए मैंने बहुत अच्छा रीजनेबल रेट में अपने लिए ट्राई किया क्योर स्किन को, जो कि 1500 के अंदर ही आपको आपका पूरा किट बना के दे देते हैं आपके स्किन के रिलेटेड। मैंने अपना स्किन ऐप पे वो किया, वहाँ पे जो डर्मेटोलॉजिस्ट थे वो भी बहुत अच्छे हैं, आप लोग स्किन और हेयर दोनों के लिए कर सकते हो, मैंने स्किन के लिए पर्सनली किया है। और बेस्ट चीज़ ये है इस ऐप की कि ये प्रेगनेंसी के लिए भी सूटेबल है, जो किट बनेगा वो उस अकॉर्डिंगली होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, जैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं आर यू प्रेग्नेंट, तो मुझे बताना पड़ता है मुझे प्रॉब्लम कब से आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की है, एक्ने की है, या जो भी डार्क स्पॉट्स हैं उनकी है। तो मैंने अपना पिगमेंटेशन चूज़ किया था, क्योंकि जो मेरे को स्किन पे देखते थे पार्लर वगैरह में या जहाँ भी, तो वो बोलते थे आपको यहाँ पे ना पिगमेंटेशन है थोड़ा सा डार्क डार्क वाला। तो मैंने सोचा कि चलो अप्लाई करके देखते हैं, और क्योर स्किन ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं। तो मैंने अपना ऐप पे वो किया, स्किन को दिखाया, फेस को सामने से उन्होंने देखा कि क्या 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 प्रॉब्लम है। आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे स्क्रीन ऐड कर दूंगी। बहुत इजी प्रोसेस है कोई भी चीज़ को मंगाना, क्योंकि बहुत इजीली आप उसको कार्ट में ऐड करो, फिर आप पेमेंट उस अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो मैंने मंगाया था, तो क्योर स्किन से मुझे ऐसे डब्बे में कुछ रिसीव हुआ, वो मैं आपको बता देती हूँ। और ना आया तो मुझे भी नहीं समझ में आया कि ये मुझे कैसे यूज़ करना है, तो इस पे मैंने पढ़ा, इनके बॉक्स पे ये लिखा था कि सील खोलने के टाइम कि आप वैसे यूज़ करो जैसा ऐप पे बताया है। तो मैंने है फेस वॉश, जो कि मतलब बहुत अच्छा है, और इसका जो क्वांटिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो डे बाय डे मैं यूज़ तो करूँगी, आप लोगों को इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे से दिख जाएगा। ये सुबह और शाम में और एवरी डे कर सकते हैं, मतलब मॉर्निंग और नाइट में यूज़ करना है दो टाइम, इसकी क्वांटिटी अच्छी खासी है। ये जो है ये भी मॉइस्चराइज़र है, जो कि मुझे सुबह और रात में सोने के टाइम पे यूज़ करना, क्यों होते हैं स्किन मेरी ड्राई हो गई है, तो ये मॉइस्चराइज़र है, ये मेरे स्किन के अकॉर्डिंगली मतलब वो कस्टमाइज है। करेक्टर एम्यूजल, जो कि मुझे अल्टरनेट डेज पे लगाना है, और ये एक डुओ क्रीम है जो कि मुझे मिक्स करके ये अल्टरनेट डेज पे लगाना है। अगर ये मैं लगाती हूँ मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, तो बाकी के दिन मुझे ये लगाना है, जैसे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, तो ऐसे है, लेकिन ये वहीं पे लगाना है जो एरिया मेरा अफेक्टेड है। यानी तो बाकी ये जो मॉइस्चराइजर और फेस वॉश है वो तो आपको थ्रू आउट अपने फेस और नेक दोनों पे लगाना है। तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, एंड अगेन 20 डेज के अंदर ही आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाता है, जैसे कि मेरा 10 जून को अपॉइंटमेंट है, तो बहुत
अच्छा है आपकी स्किन के लिए, आप लोग भी इसको ट्राई करो। और अगर हाँ कोई कोई करते हैं तो कमेंट डाउन कीजिएगा कि अगर आप में से किसी ने ट्राई किया है क्या रिजल्ट आया। तो बढ़ते हैं व्लॉग की तरफ कि ऐसा आदमी चाहिए जो आइडिया हो, जिन्हें अंदर बाहर हर एक चीज़ का, और ख़ास करके लेडीज़ को ही काउंट किया जा रहा है। और जो मेरे जो बच्चे हैं, मतलब कि जो अनीशा आदि था, वो 10th 12th में, तो उनको छोड़ के जाना कहीं से भी सही नहीं है। बिकॉज हम लोग बचपन से ही सोचते हैं कि बच्चे जब बड़े होंगे तो 10th अच्छे से कराओ, 12th अच्छे से कराओ, पढ़ाई अच्छे से कराओ। और एंड मोमेंट पे वो मेरे लिए छोड़ के पॉसिबल नहीं था कि 1-1.5 महीना कोई भी रहे यहाँ से, पॉसिबल नहीं था ना मेरे मायके से ना मेरे ससुराल से। और मम्मी ने ही फोर्स किया था कि नहीं यहीं पे रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सब लोग इधर आसपास रहेंगे, वरना मेरी अच्छी खासी डिलीवरी हो जाती वहाँ पे बैंगलोर में। लेकिन वहाँ पे भी लड्डू के पापा ने बोला कि हम लोग करा लेते। इनफैक्ट अभी मैं गई थी 7 मंथ में, मुझे लिटरली पता होता ना कि मतलब इतना हौच पौच होने वाला है तो मैं 7 मंथ के बाद ही नहीं आती। खैर, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि आज सच में बहुत बड़ा काल था। आज मेरा हुआ, जैसे ही मेरा हुआ उसके बाद से प्रिंस गया ट्रेन में। जैसे ही ट्रेन में गए वो लोग, तो शायद मम्मी बोल रही थी कि उसके हाथ में चोट लग गया, प्रिंस के हाथ में चोट लग गया सामान रखते रखते। फिर वो लोग रिटर्न भैया के रूम पे चले गए, वो लोग अभी आए नहीं है, मतलब ट्रेन छूट गई करके। तो वो लोग भैया के वहाँ पे जा रहे थे तो ऑटो का वो पहिया खुल गया, तो ऑटो का एक्सीडेंट जैसा हुआ। फिर भैया का भी ना कुछ एक्सीडेंट से बचा, एंड एक उसके लिए अभी तो सबसे बड़ा जो बैड न्यूज़ है वो भैया के लिए ही आया, और वो मैं तो नहीं शेयर कर सकती, शायद वो अपने ब्लॉग में शेयर करे। लेकिन मतलब मम्मी बोली थी पता नहीं किस जत्रा से हम लोग ऐसे निकले थे, टाइमिंग ऐसी थी कि ऐसा हुआ, ट्रेन भी छूट गई और सब कुछ हुआ, लड्डू भी सेफ है। उस दिन तो मतलब अजीब हो गया था, लग रहा था ना कि उस दिन क्या, कल ही ना, नहीं परसों हुआ था। मतलब परसों जो था ना लड्डू के साथ, अगर मतलब अगर हो जाता ना तो पता नहीं क्या होता था। तुम क्या कर रही थी? भगवान की कृपा से कि नहीं, मतलब वो बच गया सही सलामत। ये तो नीचे गई, नीचे जाके मैं बोल, नीचे जाके इसको पकड़, मतलब नीचे से ये इतनी मतलब चालू लड़की, नीचे और भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये उन लोगों को बोल रही कि आ जाओ जाओ, कि मतलब तुम्हें नहीं, मतलब वो सब ये मेरे को पता नहीं था उस टाइम, मेरे को नहीं पता था, ये मेरे को कल पता चला कि वो ये सोच के गई कि वो सब जाता तो ये देख कर, मतलब एक सेफ्टी के लिए ऊपर से भी अगर होता गिरता या जो भी होता देख के उतर जाता बच्चों को। लेकिन मेरे को तो ऐसा लग रहा कि अगर नीचे छोटे बच्चों को देखता तो जल्दी पहुंचने के चक्कर में कूद ही मच जाता। लेकिन मुझे ये सब चीज़ नहीं पता था कि ये नीचे भी बोल के गई कि तुम लोग बाहर आओ। लेकिन मैं रोने लग गई तो वो फटाक से उतरा उस पे से। लेकिन कैसे बैठा था उधर साइड, मतलब बैठा था ना, लग रहा था कि वो ऐसी नहीं होता है रेलिंग नहीं होता है उसके, उस टाइप तरह बैठा था, अगर वो गिरता ना तो उसका मतलब सर और सब। आज भी इसको पता चला ना गुंजा को कि मतलब पापा और ने फोन कर दिया था स्कूल पे कि गुंजा को भेज दो घर पे, तो एकदम दो पता नहीं कैसे एकदम स्पीड में आई, आके मेरे को बोलती है दीदी, पहले तो शांत थी कुछ बोली ही नहीं, आधा घंटा तक तो हम लोग कुछ बोले ही नहीं। बाद में जब लड्डू सो गया मेरे गोदी में ही, मैं रो रही थी, वो भी रोते रोते ही सो गया, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं उसको क्या मारूं, क्योंकि मैं मेरा तो मूड स्विंग्स, मेरा इरिटेशन, मेरा हर एक चीज़ हो रहा है, लेकिन वो तो बच्चा है। लेकिन अब मैं उसको कितना समझाऊँ, कितना डांटूँ, अब मैं सोची हूँ कल से उसका ट्यूशन लगाऊंगी। बट उसी के बाद ये मेरे को पूछती है कि पता है मेरे को दीदी, ऐसा लगा ना कि या तो आपको कुछ हो गया, या तो चोट लग गया, या तो लड्डू को कुछ हुआ, पता नहीं क्या 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 बोल रही थी। नहीं मतलब मेरे को ना पूरा घबराहट हो गया जब फोन गया ना, तो मेरे को क्या हो गया कि इतना जल्दी में बुलाया गया, और सर बोले ना कि जल्दी जा तुमको वहाँ पे जरूरी काम है बस। और वैसे ना मैं इसको जाने नहीं देती कोचिंग, ना ये खुद भी नहीं जाने वाली थी, लेकिन क्योंकि मम्मी ने बोला था कि मतलब चले जाना करके, मतलब ये पढ़ाई ना छूटे करके, तो मैं भी कुछ नहीं बोली कि हाँ चल जाओ। वरना ना प्रिंस एक दिन बोल रहा था कि
सिमी को पता नहीं क्या इधर उधर रख देना, फिर तुम जाना कोचिंग। हाँ, सिमी तो मैं बोली कि नहीं क्यों जाएगी ये, कोचिंग नहीं जाएगी, मैं अकेली रहूंगी क्या ये वो करके उस दिन हो गया था ना प्रिंस से बहस। लेकिन फिर बाद में हुआ कि मम्मी ने बोला, तो हम लोग हम दोनों ही दोनों को ही मम्मी का इतना डर है कि मैं भी बोली कि नहीं नहीं जाओ, हालांकि आज लेट भी गई थी है ना। हाँ, हाँ, लेट गई थी। और मैं भी मैंने मतलब जस्ट जा क्लास में बैठी थी, कॉपी पेन निकाल रही थी, फोन चला गया और हम लोग एकदम हमको घबराहट हो गया। मैं एकदम जल्दी जल्दी उधर से आई और आके दरवाजे से खटखटा रही थी दरवाजा। और पता है क्या मतलब जितना लड्डू लड्डू निकाल दो, जितना लड्डू अंदर बाहर ये सब चीज करता है ना, मैं इतना इंस्टेंटली फटाक से नहीं उठ सकती हूँ, क्योंकि मैं उठ भी रही हूँ ना तो मेरे को बैक में पेन होने लग रहा है और थोड़ा सा मेरा स्टमक हैवीनेस हो चुका है, टाइट टाइट सा लग रहा है। आज तो मेरा पूरा अजीब सा ही वो दिन था, मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का, तो दिन भर बैठ के या तो कोई वीडियो देखी, सोने की कोशिश की लेकिन लड्डू बार बार मुंह पे ही लाइट ऑन कर दे रहा था, और रात में तो नींद आ भी नहीं रही है। प्लस रात में ना सपने भी कुछ कुछ अजीब उटपुटांग आ रहे हैं। मम्मी बोली थी हींग वगैरह रखने के लिए, आप लोग भी अपना सजेशन दे सकते हैं कि क्या कैसे ठीक होता है। तो आज तो बहुत बड़ी बला थी, तुम भी सुन रही थी ना मम्मी। बाबू अब पिटा जाओगे तुम, तो मम्मी गुंजा को भी समझाई कि दीदी के साथ रहना, ध्यान देना ये वो। और आज लड्डू के पापा से भी मेरी बात हुई, हम लोग वेट कर रहे हैं फ्राइडे तक का, एंड देन उसके बाद से जो भी है उनका भी पता चलेगा कि कब तक वो आ रहे हैं, क्योंकि वो भी आज बोल रहे थे कि मैं भी जल्दी आ जा रहूँगा, क्योंकि अब उतना डिले नहीं करेंगे हम लोग। दीदी भी बोल रही थी कि जल्दी आ जाओ, और दीदी को मैं रोक लेती लेकिन दीदी का भी खुद का घर है, मतलब बच्चे भी बड़े हैं उनके, उतने भी बड़े नहीं है छोटे ही हैं, लेकिन उनको भी देखभाल करना होता है। लेकिन फिर भी दीदी बोल के गई कि नहीं जो भी होगा जैसा भी होगा बता देना, मैं आ जाऊंगी। लेकिन इंसिडेंट होने के बाद क्या बताएगा इंसान, मतलब पहले होता है तो इंसान बता देता है, अब जैसे लग गया चोट तो अब बता सकती हूँ, पहले मेरे को थोड़ी पता था कि मैं ही गिर जाऊंगी, मुझे ही चोट लग जाएगा या लड्डू ऐसे करेगा, वो सब तो डिलीवरी का होता है तो चलो भाई पेन वेन के टाइम पे बोल सकते हैं, लेकिन ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें हो रही है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जा रहा है, क्योंकि एक तो लड्डू को कुछ कर नहीं सकती, छोटा बच्चा है, बड़ा होता तो किसी को समझा सकती थी डांट सकती थी, लेकिन और मैं खुद भी इतना स्ट्रेस में आ जा रही हूँ ना अभी अकेले रह रही हूँ, तो वरना दिमाग डाइवर्ट होते जाता है इधर उधर। अब जैसे गुंजा भी नहीं थी उस टाइम ना शिवम था, अदरवाइज मैं नीचे ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी से बात करके अपना टाइम पास कर लेती हूँ। उस टाइम फ़ोन वगैरह भी नहीं देख रही थी मैं, उसको ही गई थी देखने, कितना कितना तेल गिराया है वो, बहुत ज़्यादा, मतलब जितना तेल टीवी में सब खत्म एक डब्बा, मतलब उसमें इतना तेल था ना कि लड्डू का जो भी भाई बहन होता वो 6 महीने तक आराम से उसका तेल मसाज होता, क्योंकि बड़ा सा बॉटल था और वो केरला से आया हुआ था नारियल तेल पर आया हुआ, और वो पूरा का पूरा तेल का स्वाहा कर दिया। लेकिन मम्मी बोल रही थी उसको मत मारना, उसको मत मारना, मैं कर देता तो अब क्या ही मारूंगी। वो सिमी के साथ खेल रहा है, मुंह से निकलता है जेरी। तो बस इसी के साथ व्लॉग को करेंगे एंड, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। खैर आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में इतने सारे लोगों ने मेरे को बहुत पॉजिटिव कमेंट किए, बहुत 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 ज़्यादा दिल से थैंक यू आप सभी को, पॉजिटिव वालों को भी नेगेटिव वाले को भी, क्योंकि नेगेटिव वालों की वजह से ही हम आगे बढ़ेंगे और पॉजिटिव वाले साथ रहेंगे तब तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। तो बस आप लोग भर भर के कॉमेंट करते रहिए एंड इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड। जो अच्छा अच्छा कॉमेंट कीजिए, नहीं अच्छा नहीं कीजिए, मैं बुरी हूँ, बुरा कमेंट कीजिए अब, क्योंकि अब मैं इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती हर चीज़ का। बाकी जो भी है व्लॉग नेक्स्ट आएगा, आप लोग खूब सारा अपना भरमार कमेंट करते रहिए। फिलहाल अब हम लोग जा रहे हैं सोने, क्योंकि टाइम बज रहा है 11, तो 11 बजने वाला है, हम लोग सब सोएंगे इसी रूम में। तो मेरा तो मेरे को मिक्स नहीं करना है, और मैं खा ली हूँ दवा, और बस अब मिल्क मैं फिनिश करूँगी और सोऊंगी। तो मेरा मिल्क ये रहा, और जल्दी से अब सो तुम भी, हम लोग भी सोते हैं। तो बस बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।